हरड़ एक चमत्कारी औषधि, गठिया बाएं जोड़ों के दर्द को 4 दिन में करे दूर। हरड़ त्रिफला के 3 फलों में से एक होता है। औषधि के लिए यह बहुत इस्तेमाल किया जाता है। हरड़ को हरित की भी कहा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीरा और आप देख रहे हैं साइंस मैनिक। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि हमारी सभी अपडेट्स आपको समय से मिलती रहे। हरड़ की 7 जातियाँ होती हैं, जैसे विजया, पूतना, अमृता, अभया और जिवंती। हरड़ का पेड़ 30 मीटर ऊंचा होता है। इसके पत्ते सादे, चमकदार और भाले के आकार के होते हैं। इस पर पीले, नारंगी, भूरे रंग के फल आते हैं। हरड़ को कच्चा तोड़कर सुखाने पर इसे छोटी हरड़ के नाम से जाना जाता है। इसके बीज ठोस पीले रंग के और आकार में बड़े और हड्डियों जैसे होते हैं। आयुर्वेद में हरड़ का काफ़ी महत्व है। यह न केवल सेहत की समस्याओं के लिए फायदेमंद है बल्कि इसके सौंदर्य लाभ भी कम नहीं है। इस छोटी सी हरड़ के बड़े सेहत लाभ आपको भी ज़रूर जानने चाहिए। विभिन्न आयुर्वेदिक तत्वों के कारण भाव प्रकाश के अनुसार हरड़ 7 तरह की और छोटी व बड़ी रूप में होती है। इसका फल, जड़ व छाल तीनों ही उपयोगी हैं। हरड़ में बहुत से मिनरल्स होते हैं, जैसे सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और कॉपर। साथ ही साथ इसमें विटामिन, प्रोटीन, एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक गुण भी पाए जाते हैं। इसका बीज रहित फल खाया जा सकता है। खांसी, डायबिटीज, बवासीर, सूजन, पेट दर्द, पेट के रोग, थकान, हिचकी, गले और हृदय के रोग, पीलिया, दर्द, पथरी, पेशाब से संबंधित रोगों को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर पेट की समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। हरड़ को उबालकर खाने से दस्त में तुरंत आराम मिलता है। हरड़ का सेवन करने से बुद्धि बढ़ती है, यानी हरड़ के इस्तेमाल से दिमाग को विकसित किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से अर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारियों में भी लाभ होता है। इसमें एनाल्जेसिक गुण होते हैं, मतलब इसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं जिससे दर्द में आराम मिलता है और जोड़ों की सूजन भी कम होती है। हरड़ को पानी के साथ पीसकर सिर पर लेप लगाने से सर दर्द से छुटकारा मिलता है। रूखी के कारण बाल झड़ने की समस्या को हल करने के लिए हरड़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। हरड़ को रात भर पानी में भिगोकर सुबह छानकर आंखें धोने से आंखों को ठंडक मिलती है और आंखों में खुजली से राहत मिलती है। इसके इस्तेमाल से आंखों की अन्य बीमारियों से भी राहत मिलती है। बढ़ती उम्र के साथ आंखों में मोतिया होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके लिए हरड़ का इस्तेमाल काफ़ी फायदेमंद होता है। मौसम बदलने के कारण या अधिक सर्दी होने के कारण जुकाम की समस्या को हल करने के लिए हरड़ का इस्तेमाल किया जाता है। इससे जुकाम से जल्दी राहत मिलती है। मुंह और गले की बीमारियों को ठीक करने के लिए भी हरड़ के चूर्ण का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल करने से गले के दर्द में आराम मिलता है और इसका मंजन करने से दांत साफ, स्वस्थ और मजबूत रहते हैं। एसिडिटी की समस्या को दूर करने के लिए भी हरड़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल करने से पाचन शक्ति मजबूत होती है। हरड़ का सेवन करने से भूख बढ़ती है, जिससे हरड़ का मुरब्बा खाने से ज़्यादा फायदा होता है। दस्तों को रोकने के लिए या दस्त के कारण होने वाले दर्द को कम करने के लिए हरड़ का इस्तेमाल किया जाता है। पेशाब संबंधित समस्याओं को ठीक करने के लिए हरड़ का इस्तेमाल किया जाता है। कम मात्रा में पेशाब होना, पेशाब करते वक्त जलन और दर्द महसूस हो तो हरड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। टेस्टीज में सूजन होने पर त्रिफला के काढ़े का इस्तेमाल करने से सूजन कम होती है। अल्सर या घाव को सुखाने के लिए भी हरड़ का लेप काफ़ी फायदेमंद होता है। बुखार के लक्षणों से बचने के लिए या खांसी, नाक और कान से खून बहना या उल्टी आने की संभावना हो तो हरड़ का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। वजन कम करने के लिए भी हरड़ बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। इसके लिए हरड़ के पाउडर को गर्म पानी के साथ सुबह खाली पेट पीना चाहिए। साथ ही साथ अच्छी खुराक और व्यायाम करने से भी वजन आसानी से कम हो जाता है। हरड़ का काढ़ा त्वचा संबंधित एलर्जी में भी लाभकारी है। हरड़ के फल को पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर इस्तेमाल करने से
खुजली में जल्दी राहत मिलती है। हरड़ गर्म तासीर की होती है, इसलिए गर्मियों के मौसम में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को रक्त संबंधित परेशानियां होती हैं, उनको भी हरड़ का इस्तेमाल करने से परहेज करना चाहिए। दुबले पतले व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं को भी हरड़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका चूर्ण 3 से 6 ग्राम कम से कम ही किया जा सकता है, इससे अधिक लेने पर समस्या उत्पन्न हो सकती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।